बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज जिस ज़बरदस्त मेहमान ने ज़बरदस्त में हमें ज्वाइन किया है, जब ऐसी शख्सियत तशरीफ़ लाए तो एक आसानी ही होती है कि कोई लंबे चौड़े तारुफ़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका नाम जो है वही इनके तारुफ़ के लिए काफ़ी होता है। नाज़रीन, ग्रामी दुनिया में कम लोग ऐसे होते हैं कि जिस शोबे में वो काम कर रहे हों कुछ अरसे के बाद वो अपने शोबे का फ़ख्र बन जाएँ। आज के हमारे मेहमान जो हैं वो अपने शोबे का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, मिजाह का फ़ख्र हैं, और जिस तरह से, जिस मोहब्बत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ वो इंसानियत के काम करते हैं, इंसानियत के साथ खड़े होते हैं, वो उस हवाले से भी अब फ़ख्र बनते जा रहे हैं, इंसानियत का फ़ख्र बनते जा रहे हैं। वन एंड ओनली इफ्तिखार ठाकुर। अरे वाह, क्या कहना। वेलकम टू द शो। वेलकम। बड़ी खुशी हो रही है शाह साहब, आपके पास में बैठा हूँ। मेरे लिए भी बहुत खुशी का मकाम है कि आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, क्योंकि एक टांग आपकी यूरोप में होती है, एक लंदन में होती है, एक थिएटर में होती है, एक शो में होती है। वाह वाह, ये चार टंगा वाले हो गया माशाल्लाह। वेले बैठे हो, समोसे ला लो। ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरे स्ट्रगल दौर के दोस्त हैं सर। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैंने ये बच्चे को इतना सा भी देखा हुआ। हाँ, बिल्कुल। बबू साहब के साथ जब हम काम करते थे, छोटा सा उनके साथ आया करता था, बड़ा प्यारा सा बच्चा। मुझे उस वक्त भी पता था कि जम दिए सूलां दे मुंह तिखे होंगे। अल्लाह। हाँ, इसकी बड़ी बड़ी अच्छी थ्रो और बड़ी अच्छी टाइमिंग जो थी, ऐसे ही हमारे साथ खेलते खेलते अंदाजा हो जाता था। और आज शरारती था बचपन में। हाँ, अल्लाह दसो सर, एक मिनट चाय खलोते थे, एक मिनट चाय खलो। सर मैं तो मशहूर वैसे ही हूँ निर्गोली चौकस, लेकिन असल ये चौकस है। अल्लाह। म्यूजिक में भी, यानी आबद खान साहब, आगा माजद साहब, बब्बू बराल साहब, शौकी खान साहब, ये ऐसे अल्लाह पाक की तरफ से तोहफे हैं पाकिस्तान को, जिनको कहा जाता है पांच पटीए फनकार। गा लेना है, साज बजा लेना है, हंसा देना है, रुला देना है, कैरेक्टर एक्टर, और यही सारी सिमें जो हैं, पांच सिमें इसमें भी मौजूद है। ऐसे आप गाते नहीं है मगर ये सारी सिमें आप में भी है, है ना? ये यस। जी ठाकुर साहब ऐसे फनकार ने जिन्होंने उन्होंने फनकारा को भी दाद वसूल की। कोई शक नहीं, ये उनकी मेहरबानी है सर, उनकी मोहब्बत थी। वो भी बड़े लोग थे, आप भी बड़े आदमी हैं। अच्छा, आज एक ऐसा काम करते हैं जो शायद आपने इससे पहले नहीं किया, और मुझे पता है कि आप मुझे इनकार नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि आप ना कोई काम छड़े ही नहीं, हर काम सारे काम कर लेते। देख लेना, ये ना कह देना भी ये सेट असी टांड लगे हैं, दोबारा बना दे। आज आपके ना गाने से शो शुरू करते हैं। ईमान नाल मैं फिर किसे ले आ ले जा, अब आपको सुनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, गला खराब है थोड़ा जैसा, लेकिन फिर भी है ये हर फनकार कहता है सर। वो वाला हर आर्टिस्ट के अंदर, वो एक सिंगर को ना फांसी होने लगी ना, तो उन्होंने कहा भाई फांसी दे ये, कहना थोड़ी जा गला खराब है यार, लता नु रस्सी पा ले। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब आपने जिक्र किया बबू बराल साहब का, मस्ताना साहब का, आबिद साहब का जिक्र हुआ, अमानुल्लाह साहब का नहीं हुआ इस वक्त, मगर लाजी बात है उनका जिक्र तो रहता ही है हर वक्त। मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी यादें जो कि आप, मुझे लगता है कि उस फेज़ में चले भी गए हैं उनका जिक्र करते हुए, जो इससे पहले शेयर ना हुई होता ना। बब्बू बराल साहब, उनकी क्या आदत थी, रोटी कल्ले नहीं सिखा सकते हो कि खाना मंगाया है तो पहले कह दिए पाँच छः बंदे अंदर ले आई, यानी खाली अपने लिए नहीं मंगाया, और जैसे ही खाना आया तो बंदे ढूंढ रहे हैं चलो भी खाना। आबद खान साहब अक्सर खाना घर से भी लेके आते थे, इतना बड़ा टिफिन होता था, तीन डब्बे। एक दफा ना कीमा लेके आए वो, उसके ऊपर धनिया, ऐसा मजेदार, सुभान अल्लाह। अब जैसे वो खुला ना तो गोगा मोटा, वो घर की चपातियां होती थी, और वो चपातियां भी ऐसी होती थी कि एक ही बुरकी गोगे दी थी अद्धी, गोगे ने ना जी वो आधी रोटी तोड़ के ना जब कीमे के ऊपर ऐसे डाल के ऐसे करने लगा ना, आबद खान साहब ने हाथ फाड़ लिया, उन्होंने कहा कीमे का कलेजा कटन लगा। क्या लिबास बड़ा खूबसूरत पहना हुआ आपने, ये वाला सर। हाँ, माशाल्लाह। ओहो, नहीं हमेशा अच्छा पहनते हैं मगर आज तो बिल्कुल ही, आज तो धूले में लग रहे हैं।
जापान दे होटल दे बहरे लग रहे नहीं आपको कोई फोन वोन तो नहीं आया मुझे क्यों फोन आ रहा नहीं सर क्यों लिबास के बारे में हाँ हाँ क्यों क्यों आएगा थोड़ी देर के लिए कैमरे बंद करें तो फिर मैं आपको बता कैमरे तो बंद नहीं हो सकते मगर ये है कि आप बता दीजिए क्या ना ये क्या सिर्फ पिया का है वाकई नहीं तो आप उठा लाए हैं मांग लाए हैं नहीं नहीं चोरी नहीं की मैंने बात ये है सही कैमरे चल रहा बंद बंद करेंगे तो फिर हम चला नहीं सकेंगे ना देर के लिए बंद करेंगे क्योंकि वो बात ऐसी वो फिर उन्हें रिकॉर्डिंग पे जब आया ना तो उसने ये पहना हुआ था तो मैंने उससे कहा मैंने कहा यार ये कलर मेरा फेवरेट है और बड़ा अच्छा सूट है अगुमन कह रहा है पाएन तुसी बड़े मेरे वास्ते मोहतरम हो मैं तुहानूं दे दिया लेकिन तुहानूं खुला होए ये उसने कह के ना जी तो जल्दी से उतार के उस पर लगाया है हैंगर पे मैं वो पहन के आ गया हूँ मैं क्या उन्हें पता लगे मैंने पूरा है यार अब आप उसे जाके ना कैसर को ये भी सुनवाएं कि वो अमूमन दुकानों पे लिखा होता है ना जिसे फिट उसे गिफ्ट नहीं अब तो चल गया अब तो मेरा है अब वो पहन के आएगा तो उसको कहेंगे ठाकुर साहब ने ठाकुर साहब ने कहेंगे यार चलाया ना देखो कैसे पिया मेरे पर उम्र में कहेगा यार वाह ये है ठाकुर साहब अच्छा इफ्तिखार भाई मोहब्बत हुई आपको कभी जिंदगी में हाँ जी ऐसे ही मूड अगला सवाल कितनी दफा चले जी ये नजम का सवाल भी डालने कितनी दफा हुई सर असल में ना जी मुझ पे बड़ी गुर्बत रही सर ये फंबल क्यों होना शुरू हो गया आप इस मोहब्बत के नाम पे काश मुझे भी होती और मुझे एहसास होता कि ये मोहब्बत होती क्या है गुर्बत का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है मोहब्बत ना होने से बड़ा सर बड़ा गहरा ताल्लुक है सर पता है क्या सर हम ना जी छह कजन है नहीं जो जो अगर किसी कोई गरीब हो किसी वजह से सर तो क्या उसको मोहब्बत नहीं हो सकती उसको लोग अच्छे नहीं लगते कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कर देती है नहीं वो अलग बात है हाँ जी हाँ देखिए ना मोहब्बत तो ये होती है ना कि आपको रोटी में भी महबूब नजर आ रहा होता है वो तो शायरों का काम है मेरे साथ बचपन में ये अलमिया बहुत बड़ा था मेरे ना जी छह कजन दो भाई हम में ना जी मुकाबला रहता था क्योंकि क्लास फेलो थे हम में मुकाबला रहता था नंबर ज्यादा लेने का ठीक है मैट्रिक तक जो है ना जी हमारा मुकाबला जारी रहा मजबूत और माशाल्लाह सारे ए ग्रेड में आते थे मैट्रिक में जब मैंने एग्जाम दिया था सर बायोलॉजी में मुझे शुबा हो गया मैं क्या मारे गए इसमें फेल होऊंगा ये इज्तमाही बेइज्जती मेरी किया कर मैं सर ना जी एग्जाम देके कराची चला गया अच्छा वहाँ मैंने तीन महीने बाद एग्जाम होता था सिंध का और इसका जब वहाँ मेरा इंग्लिश भी सेकंड लास्ट पेपर हो रहा था तो पंजाब का रिजल्ट आ गया सर हाई फर्स्ट डिवीजन माशाल्लाह बायोलॉजी के अंदर 64 नंबर सर माशाल्लाह क्या बात 100 में से माशाल्लाह फिर मैंने सिंध का भी एग्जाम दे लिया था उसमें भी दो पेपर रह गए थे फिर उसमें भी सर मैंने बड़ी अच्छी नंबर में फिर मैंने वहां मोहब्बत कहां गई मोहब्बत वहां कहां गई यही तो मैं पूछ रहा था हाँ। तीन दफा मंगनी हुई अच्छा अच्छा तीन दफा मंगनी हुई पहली मंगनी में मैं इन्होंने जी दो दिन पहले कराची भाग गया उन्होंने कहा तुम मुंडा बहाओ पेंसिलां वाले सर जी मेरी माँ ने कहा मुंडा आए रिश्ते दिन उन्होंने कहा मुंडा वेख लिया है हुण किसे डॉक्टर नूं बखाओ तो मंगनी आपकी पसंद से नहीं हुई थी नहीं सर अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुझे करना है ना उसमें अगर शादी हायल हो गई तो मैं मारा जाऊंगा अच्छा तो आप भाग गए पहली मंगनी जब मैं कराची भाग गया सर अच्छा फिर दूसरी जब मंगनी मेरी हुई अभी बातचीत हुई मुझे लग रहा था ये फाइनल होने जा रही है नहीं तो एक मरतबा तो आप हाँ करते होंगे ना कि हाँ भी बाई नू रख लो नहीं मैंने सर ये हर दफा हाँ कर दे सर उनको ना हो जाए नहीं नहीं मेरे कन्ना च गल्लां होंदियां सन अच्छा मेरे तो चोरी करते सन अच्छा आपको नहीं बताते नहीं 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 अच्छा आपको फिर पता लग गया कि मंगनी होने वाली हाँ जी मैं क्या फिर बातें शुरू हो गई हैं ठीक है फिर मैं इस्लामाबाद भाग गया अच्छा फिर मैं वहाँ इस्लामाबाद में रहा कुछ अरसा जना आप तो ऐसे भागते थे जैसे किसी लड़की की हमारे मुआशरे में जबरदस्ती हो रही हो तो बाजू का वो कहती कि मुझे नहीं तीसरी मरतबा ये हुआ कि मोहम्मद कबीर खान साहब के साथ जब मैंने ड्रामा किया ना सर हम चले गए यूएसए वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया
मैं क्या, मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी करनी, मैंने वहाँ स्लिप मारा। नहीं, वो तीसरी मंगनी कहाँ गई? तीसरी मंगनी जब होने लगी हाँ तो अमेरिका जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वापस ही नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो मुझे पक्का पता था। शादी कैसे करवाई गई आप? हाँ ये सवाल आपका। मतलब आप इतनी मंगनियों से भागे हैं कि आपके बारे में तो तरह तरह की बातें शुरू हो गई होंगी। हाँ हाँ हुई सर, बहुत हुई। लेकिन मेरे जो दिमाग में बात थी वो ये थी कि मुझे किराए पे घर लेना पड़ेगा। अच्छा। और डेफिनेट हर 3 महीने के बाद मेरे पास जब किराया नहीं होगा तो वो मुझे कहेगा पैन मकान खाली करो, तो मैं इन्हें पांडे के तो चौके लाए लेके जा दोबारा कितों लंबागा। क्यों, मेरे साथ पीछे 2-3 दफा हुआ था। अच्छा। कि घर किराए पे लिया, वो उन्होंने निकाल दिया और सामान भी नहीं दिया कि भाई पैसे देंगा तो ताले पे ताला लगा देते थे सर। वो बड़ी बेइज्जती होती थी मोहल्ले में और वो बड़ी मुश्किल से एक मंजी थे 2 कुर्सियां लगी होती सर। अभी तो आप हंस हंस के बता रहे हैं, उस वक्त जब ये कैफियत होती थी ताले पे ताला लग जाता था या कंधा पीछे खलो कर रोंदा सा रोते थे? हाँ जी, कंधा पीछे खलो कर रोंदा सा। वाकई रोते थे? मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। इफ्तिखार ठाकुर रोते थे? जी सर, जी सर। फिर तो मेरी जिंदगी में एक शख्स आया, जुल्ली साईं। जुल्ली साईं को तो कोई फनकार थिएटर का ऐसा नहीं जो जुल्ली साईं को ना जानता। वो शादी की तरफ नहीं आ रहे? मैं उधर आ रहा हूँ। अच्छा, तो जुल्ली साहब पहुंच गए आप तो? जी सर, वो ड्रामा के शादी से ताल्लुक है कोई? हाँ जी, हाँ जी। ड्रामा करने के बाद ना जी मुझे जुल्ली साईं के पास में आया, मैं कह सर वो जो बंदे ने ड्रामा कराया उसे पैसे लेके भज गया। उन्होंने कहा छड़ परा पैसे नु, जिथे खा रोटी खा, इंजॉय कर जिंदगी, ते स्ट्रगल कर, कुछ भी नहीं होंदा। अगले दिन वो मुझे पकड़ के ले गए सखी सरवर साहब। उन्हें कहा ठाकर साडा यार हैगा, एक दिन भी वेला रहा तो असं तेरे को पैसे लै लेने ना सखी सरवर। उन्हें कहा ठीक है भाजी। सखी साहब ने मुझे दिया 5,000 रुपया। उन्हें कहा किधरे कमरा लाभ। वो कमरा मैं ढूंढने गया सांदे। सांदे जिस घर के अंदर मैंने जाके कमरा ढूंढा ना, उस घर च मेरी शादी हुई। नहीं तो आपको वो पसंद आ गई थी, कोई मोहब्बत हुई दोनों में, या ये है कि फिर रिश्ता किसी और ने पेश नहीं किया? सर वहाँ वो घर ऐसा था, उस घर की फैमिली के किसी मेंबर को याद ही नहीं रहा कि बंदा यहाँ कमरा किराए पे लेने आया था। वाह। उस घर के सामने उनका भैंसों का बाड़ा था, कोई 50-60 भैंसें थी उनकी। वो मन कहना डोल फाड़ पुत्र से जाके दुध लाया। मैं उन्होंने पट्ठे भी पाउन लग पे, मैं उन्होंने मज्जा भी चौन लग पे। रांझा हो गया। ठीक है सर, हीर तो लभनी सी, फिर लभी तू लभ गई है। जी सर, मेरे घर वाले आते थे उस घर में तो उन्होंने मिलके कोई फैसला। आपका अखलाक बहुत उन्हें पसंद आया। कुली अरेंज मैरिज थी या आपको पसंद? बिल्कुल अरेंज सर। अच्छा। मैंने उसको बस में देखा था। अच्छा। मेरे साथ आके बैठी ना तो फिर मैंने, आप बेबस हो गए? हाँ, मैं क्या ये भी तो पता लगे पाँव 12 के 3 काने। लेकिन सर आपको अच्छी लगी? लेकिन सर कभी को खटपट हो जाती किसी बात पे आपस में कि नहीं? मेरा ख्याल है खटपट हो नहीं सकती। अच्छा, कभी कोई हुई हो? सोचना पड़ेगा सर। अच्छा, वाह वाह वाह, तो फिर गैर मामूली बात बता रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ सर ये कि भाई 2 भांडे होने ते खड़क दे, वो खामोश भांडा है सर बिल्कुल ही। इससे लग ये रहा है कि आपका और आपकी अहलिया का बहुत ही एहतराम का, बहुत ही प्यार का, गैर मामूली खुशगवार रिश्ता है माशाल्लाह। बड़ा एहतराम, और यही होना भी चाहिए माशाल्लाह। इसका राज क्या है सर? वो इंसान ने भाभी साडे परिंदे ने इंसान ने परिंदे परिंदों से लोगों से प्यार तो होता है। अब परिंदा भी एडा सोना होवे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मेरा ख्याल है आज तक मेनू ना परिंदा ही समझता है। आपकी कौन सी बात जो आप समझते हैं बेगम साहबा को बुरी लगती है कि कभी उन्होंने कही या नहीं कही कि यार ठाकुर साहब है जरा अगर तुसी चेंज कर लो आदत? रात का देर से आना। अच्छा, ये उनको बुरा लगता है? और रोटी टोक के खाना। और आपके काम लेकिन ऐसा है कि 12-1 तो बज ही जाते हैं। थिएटर तो फिर मुझे इस वजह से छोड़ना पड़ा ना सर। तो फिर खफा हो जाती थी? हाँ, वो थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल होता है, वो ठंडी कुंडी जड़ी खोलने पे नाज़रीन, स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इफ्तिखार ठाकुर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिजाह का इफ्तिखार, इफ्तिखार ठाकुर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। आप यार मिलके बड़ा अच्छा लगता है। आप प्यारे आदमी, ऐसा मिजाह जो यानी कि जिससे मेरे ख्याल में आपका कोई भी ऐसा जुमला नहीं है जिसने पिछले 15-20 साल में किसी को तकलीफ दी हो, है ना। ये बड़ी बात, कोशिश करते हैं सर। कहीं उसमें तंज नहीं है, कहीं उसमें तहकीक नहीं है। ये बड़ी गैर मामूली बात है। अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी, फिर आप खुद भी लाजमी बात उसका ख्याल करते होंगे। जी डेफिनेट ख्याल करते हैं। वैसे तो बहुत सारे बुजुर्ग जिंदगी में आए जिन्होंने तरबियत की, लेकिन मुझे लगता है कि जब से मैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ जुड़ा हूँ, क्या गैर मामूली, बड़ी गैर मामूली, पाकिस्तान का फख्र है, इंसानियत का फख्र। जी सर मुझे लगता है कि उनका असर जो है ना वो खुशबू तो चढ़ जाती है। क्या गैर मामूली आदमी सर, बड़े बहुत बड़े आदमी हैं सर। मैं अमजद साहब के लिए पूरा पाकिस्तान उनके फख्र, पूरा पाकिस्तान। जी सर, नजर क्या है प्रोग्राम के ऊपर ठाकुर भाई? उड के चुंज भी मार दे। क्यों जी, तुसी कहंदे ना जिंदगी च प्यार कभी नहीं किया। ऐ वजह है नहीं, लेकिन सारी दुनिया तो आपको भाई नहीं कहती। सर पहले हाथी कहते हैं, मैं तुम की दसा, मैं तुम्हें एक गल दसना नहीं सी चाह रहे। शुरू तो मेरे नाल ये मसला है। सिवाय उन खातून के जो आपके साथ बस में थी, उन्होंने बस आपको भाई नहीं कहा होगा। डोंट टेल मी कि उन्होंने भी कह दिया था। हैं? बहुत अच्छे। फिर तो अफसोस। अपने मेरे मुंह तो लिखे सर, फिर तुम कहते भी आपको मोहब्बत क्यों नहीं हुई? इतने भी ठाकुर भाई आप तो जगत भाई हुए ना। जगत भाई। जी मेरे बच्चे बताओ। अब हमारा सेगमेंट पहले मैं समझा हम साया की कुड़ी। अब हमारा सेगमेंट है भूजो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स। और माशाल्लाह आप काफ़ी सच्चे और प्यारे इंसान हैं, तो अब देखना ये है कि आप ज़हीन भी हैं या नहीं। ये जुमला इसका अपना है। चंगे रहे। आप कहें तो मैं कटवा दूंगा ये। उनको यकीन नहीं है आप ज़हीन हैं। आप कटवाइएगा ना, आप इसके ऊपर टू लगवा दें ताकि दुनिया हजार तरह की बातें बनाए कि नजफ ने पता नहीं क्या कह दिया ठाकुर साहब को। वैसे आपको, आपने ये कैसे कहा कि अच्छा ताकि पता, एक आदमी 25 बरस से पूरी दुनिया में अपने फन में राज कर रहा है, तो ज़हीन होगा तो राज कर रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपने क्यों कहा कि पता लगे? मुझे ऐसा लगा कि चिरी छोटी होने। ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगा हो सकता है आप कहीं फंस जाए। देखिए तो हम निकालेंगे आपको वहां से। किसी का सूट पहन के आए, उसको पता भी नहीं चला इससे ज्यादा यार। फिर तुसी और फिर बता भी रहे हैं क्यों? नहीं बाकी क्यों आपके ज़हन में आया ये बात? कोई खास वजह नहीं ऐसी। थोड़ा मतलब है मेरा मुंह अगान हुए था। चलो यार वसी भाई, मैं ये भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन कैफी भाई को कम अज कम ये तो समझाएं सर। क्या ये एक बात चली गई, ये दूर निकल गई, ये सूट वाली, वो फिर दोबारा से। मैं माफी चाहता हूँ। क्या सर, मेरा भाई है वो बर्दाश्त कर जाएगा? आ जाएगा। उसकी घर वाले ने अगर कहते हैं फिर। लेकिन मुझे लगा आप एक सच्चे इंसान हैं। मगर ज़हीन नहीं। ये बड़े ज़हीन हैं। ठाकुर साहब को लड़ गई है। आप ये पता है जिस शो में भी जाएंगे ना, मुझे लगता है कि आपके ऊपर ये कोई ना कोई जुमला चुस्त करेंगे। अब आप खैर मनाए अपनी। नहीं नहीं, आप मेरे बारे में कुछ ऐसा मत कहिएगा, अच्छा ही कहिएगा। चलो अगर मैं नहीं भी कहीं कहता तो मेरे दिल में बात तो ये रहेगी। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मेरा ये मतलब नहीं था, बल्कि मुझे पता था आप एक बहुत ज़हीन इंसान है, लेकिन हो सकता है कि ना पहुंच पाए, ना सॉल्व कर पाए, कहीं फंस जाए, कहीं अड़ जाए। कितने पर्दे पाओगे? यार मेरे बच्चों ने भी ये सुन लिया होगा। सर हर बच्चा समझता है कि हमारा पापा बहुत ज़हीन है। हाँ जी। बस मैं ये कह रहा हूँ। क्या बात? सॉरी ठाकुर साहब, मैं माफी चाहूंगी अगर आपको बुरा लगा। असद कैफी। क्योंकि अच्छा खासा वो चली गई थी ये जगह। बताएं बताएं। अब मैं आपको कैसे साबित करूं कि मैं ज़हीन आदमी हूं? मैं इस पे बैठ के काम करूं या इस मोटरसाइकिल पे मैं जाऊं या ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके आपको दिखाऊं? कैसे पता चलेगा कि मैं ज़हीन आदमी हूं? कैसे पता चलेगा मैं ज़हीन आदमी हूं? सर तुझे पैंट कोट अपना पाओ। ओ यार।
मुझे पूरा यकीन है कि आप पहली पूछ लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जहीन हैं। जहीन ने तो कैसर को लो पेंट कोट लिया, कैसर को पेंट कोट लेना कोई आम गल नहीं। मैं ये समझ रहा था आप कहने लगे मुझे पूरा यकीन है आप पेंट कोट उसका वापस कर देंगे। मैंने नहीं करना, जो खज्जल होना सी उसे मैं हो गया। मेरे ख्याल में हम ब्रेक पे ही चले जाते हैं, मगर आप नजफ यकीन जानिए कि इस सेट पे जो जहीन तरीन आदमी है ना वो इफ्तिखार ठाकुर साहब जी, उन जंगे रहे हो। ये अलग बात है कि पेंट कोट इस वक्त वैसे वाकई कैसे साहब का आपको कोट कैसे पूरा आ गया कोट और पैंट? मुझे नजर आ रहा है कि पैंट भी ऊंची है आपको। प्रोग्राम खत्म तो होना ही है ना, आपने वापस करना है? वापस कहीं करना है, बाहर जाके आपको सही तरीका देखो ना, पेंट छोटी है इसका मतलब वो गिठा है। मैं पा के देखा ना कोट थोड़ा जहा खुला सी, मैं उन्होंने लेवल करने वास्ते थलो ऐ पाई। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद इफ्तिखार ठाकुर साहब। नजफ क्या है प्रोग्राम के अगले मरले? रहने दो मैं ज़हीन ते आई नहीं, इस सेगमेंट में तुसी कल कर रहे हैं। इसमें ज़हानत की जरूरत ही नहीं है, जो कोई सवाल करेगा बस कन्फर्म ही कर देते हैं। अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। जब पब्लिक सब जानती है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नया हो सकता है। ओके इफ्तिखार भाई, जबरदस्त पब्लिक की तरफ। इफ्तिखार साहब, आपकी गाड़ी कपड़ों से भरी पड़ी है, ये पहनते भी हैं या शूट कैंसिल हो जाए तो दिहाड़ी लगा कर घर वापस चले जाते हैं? माशाल्लाह बेटा, मेरे बच्चे क्रीम ब्लॉक जो मेरा स्टॉल भी है। अच्छी बात, किधरे कुकर दिहाड़ी ना लगे तो फिर मैं उत्थे रख के बेच भी लेंगे। भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसके लिए मुझे वार्डरोब के लिए गाड़ी में कपड़े रखने पड़ते हैं जी। और मैं आपको बताऊँ, ये इफ्तिखार भाई की स्ट्रेंथ है, और शायद ही पाकिस्तान में कोई दूसरा आर्टिस्ट इस नौयत का प्रोफेशनल हो जिसके पास इस तरीके से वार्डरोब हमेशा तैयार रहती है। ये वो स्ट्रेंथ है जिसे सब आर्टिस्टों को सीखना चाहिए और दाद देनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। और सवाल करने वाला बच्चा देख लो, यह जो बच्चे नू रोज घर वाले कुंडी च फसा के जाते। जी दोबारा बढ़ते हैं जरा जबरदस्त पब्लिक की तरफ। आप माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन कॉमेडियन हैं, और मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि जब आप किसी से सीरियस बात कर रहे होते होंगे तो लोगों की तो हंसी छूट जाती होगी। सीरियस को नहीं लेता जिवें साडे इन्होंने नहीं लिया ना। नहीं कभी कभी वैसे होता है, यानी मैं सीरियस बात भी कर रहा हूँ ना तो कई लोग हंसते हैं। मसलन आपको अगर याद आती हो कोई ऐसी बात कि आप बहुत संजीदगी से बात कर रहे थे और अगला जो है वो हंस पड़ा हो। हाँ, ख़ास तौर पे जब स्पीच करते हैं सर, कहीं मैं स्पीच कर रहा था तो मैं अपने आप को ज़रा इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए कोई सीरियस बात के दौरान मैंने देखा कि वो जब आप बात कर रहे होते हैं संजीदा तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या भी देते हैं ठाकुर साहब बस आओ ना। हाँ नहीं, कई बातों पे जो मैं सीरियस करके मैं सोच रहा था कि इस पे खाली क्लैप होगी उससे भी लाफ्टर आता है। लाफ्टर हाँ।, हाँ जी आता है सर, ऐसा होता है, एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं लोग के। जी सर, वो समझ रहे ना कि मजाही गल कर रहे हैं, मैं उसने सीरियस गल कर रहा ना। बेगम साहबा को खूब हंसाते हैं आप अपनी? हाँ जी, मेरी बीवी से सबसे ज्यादा जो सवाल होता है ना प्रोग्रामों में तो खैर वो नहीं आती, लेकिन कहीं हो वो ये जरूर सवाल होता है कि ये बाहर तो बहुत हंसाते हैं तो आपको घर में भी हंसाते हैं? फिर मेरी वाइफ कहती है वो ये 24/7 ही हंसे हैं, घर में बहुत हंसते हैं सर हम। हाँ बच्चे एक पिंजरे च पा के टांग देता हूं दस दिन, ये हंसने वाली गल थोड़ी तकलीफ वाली गल। आप तो क्या हंस गए, आप मेरे लिए कोई ताली चली ना नहीं यार बिल्कुल ले लिया आपने थोड़ा। नहीं लेना चाहिए था, ग्राम मीनू मैं फोन तोड़ी तो मेरे वास्ते जब मैं यार
ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਰ ਮੁਝੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜਤੇ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ आपसे मेरा ये सवाल है कि फिल्म्स में आपने मेन करेक्टर्स किए हैं और एज ए हीरो किए हैं, तो माशाल्लाह ना तो आपकी कोई लंबी चौड़ी छाती है, ना आपके कोई सिक्स या एट पैक्स हैं, और अगर कुछ बड़ा है तो सिर्फ़ आपकी मूछें, तो क्या आया हीरोइंस आपसे एतराज़ नहीं करती इस पर? अगर ये सवाल तुसी स्किप कर लेने तो की जाना सी अच्छा एक तो ये इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि आप स्विमर हैं और यानी कि डेंजरस स्विमर सर। हाँ डीप स्विमर ये जितने मतलब अब चूंकि हमारे यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है, अच्छी बात है कि वो सिक्स पैक अगर दिखा सकते हैं आपको तो इनके वाकई बने होंगे। हाँ जी इन्हें तो मछलियाँ कहनी है ना, आंदा जांदा रहा कर पे सुपर फिट तो सी मेरी चांपन कह रहे हैं सिक्स पैक क्या उम्र है वैसे इस वक्त आप? सर ये सवाल आप स्किप नहीं कर सकते? नहीं नहीं आप उन्हें बताएं ना दुनिया को, आप सुपर फिट हैं, स्विमर हैं आप। हाँ जी हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया था, शुक्र है आपने मुझे याद किया। अच्छा नहीं बैठा तो बैलेंस बने हैं बेवकूफ। वो गल खत्म हो गई है। अच्छा वैसे आपकी एज क्या है? तू जरूर डम मुझा ना, छह महीने छोटे 64 झूठ बोलता झूठ मार नहीं लगते आप? आप तो बिल्कुल बात ना करें, आप लड़के हैं जिसने मेरा दिल तोड़ा। और आपको जरा ख्याल नहीं है आपने कुकड़ी जितना दिल तोड़ दिया इतना इन 64 वर्षों में आपका वैसे दिल किसी ने तोड़ा? आहा ओए कपची चल ले सुन मुझे लगा इफ्तिखार भी कहेंगे हाँ इसने नजफ ने तोड़ा है ना बढ़ते जी जबरदस्त पब्लिक की तरफ। हमने सुना है कि ना आप फिल्म छोड़ते हैं, ना स्टेज ड्रामा, ना ही आप टीवी छोड़ते हैं, और शादी के फंक्शंस पे तो आप बाइक पे भी आ जाते हैं, इतने पैसों का क्या करेंगे आप? बसो जी क्या शादी के फंक्शन में जाना जरूरी होता है, इनके बगैर शादी तेरी होती बात नहीं हो रही भाई, चलाना पड़ता है इनको आग लगा के यार मेरा ख्याल नहीं है सारे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, असल बात यह है कि इतने पैसों का क्या करें, क्या जरूरत है शिरली छोड़ने की? वैसे मंथली कितनी इनकम है आपकी? क्यों बताऊं आपको, मैं तो बेवकूफ हूं सर जी ये जरूरी है बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। मुझे चूंकि पता था कि मुझे एजुकेशन में कितनी मुश्किलात उठानी पड़ी थी, मैं अपने बच्चों तक ये बात नहीं आने देना चाहता था, मैं अपनी ख्वाहिशात जितनी थी मुझे पढ़ने की वो मैं अपने बच्चों में से निकालना चाहता था। लेकिन आप कनेड में पढ़ रही हैं बेटी? जी सर जी सर, उनकी फीसों के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, और मेरे बच्चे जब पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह 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 वो कई लोगों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कितना आप समझते हैं जहानत पे फर्क पड़ता है जब आदमी पढ़ जाता है तो? हेलो मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, आप तो सीरी आप तो शरीफ आदमी है सर, इसकी इस बात से कितने लोगों को मौका मिलेगा असल में ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों को ना जब आप जैसी सेलिब्रिटीज़ बात करती हैं तो लोगों की तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होता है, और ये अंदाज़ा होता है कि उससे जहानत जो है उसमें इजाफा होता है इल्म से उसी ना बदल के जहानत ठाकुर रख लो शायर आदमी ने अदबी तरीके नाल कह रहे हैं इधरों बड़ी मुश्किल जान चुटी तुम मासूमाना सी मेरी बात थी थी मासूमाना ही बात नहीं वहां तक पहुंचाई अब देखो ना आपके एक जुमले से मेरे मुआवजे में कमी हो गई, मेरे घर के अंदर बातें होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों सर? मेरे मोहल्ले में बातें शुरू होने की, सब देखते हैं सर। आदमी तो किसी को शक थोड़ी है कि आप ज़हीन नहीं है, यानी इसमें शक भी कोई नहीं है, ज़हीन नहीं है किसी को शक नहीं है, वो तो वैसे ही एक बात चल रही थी उधर चली। और अगर इन्होंने जुमला काट के सिर्फ आपका इतना लगा दिया कि ज़हीन नहीं है फिर हमारे शो में तो ऐसे नहीं लगेगा इंशाल्लाह। नहीं आप तो नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे बड़े शरारती लोग होते हैं। हम अलग ऐलान सब कह देते हैं कि ठाकुर साहब एक ज़हीन आदमी हैं, ये उन्होंने जुमला लाने में
उन्होंने उनको तो अपने कमेंट्स का फिक्र है, उनको तो अपने उसका फिक्र होता है कि भाई ये जुमला ये जाएगा। अच्छा, सारी दुनिया को पता है आपने इतने झंडे गाड़े में हर मैदान में, आपको नजब से सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है कि आप जहीन है? ये मेरे झंडे पुटन आई एडी मुश्किल नाल मैं गड्ढे ने सर। एक जुमला मेरी जान कट के ले। नाज़रीन स्टे विद अस, स्टे विद अस, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ज़हीन व फ़तीन इफ्तिखार ठाकुर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। क्या जरूरत थी ये कहने की? अब आपकी वजह से उनको ज़हीन व फ़तीन कहना पड़ रहा, यानी लोगों को बताना पड़ रहा है कि मैं ज़हीन नहीं हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब। इफ्तिखार भाई, एक भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी, 64 बरस की आपकी उम्र है और बहुत आपने काम किया, बड़ा नाम पैदा किया आपने, कोई रिग्रेट? रिग्रेट तो सर मेरे साथ शायद हज़ारों मरतबा, हज़ारों रिग्रेट ऐसे हैं जो मेरे दिल में है। जैसे कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर ना जी अक्सर वॉइस मैसेजेस होते हैं लोगों के कि उनको किसी न किसी हवाले से हेल्प की ज़रूरत है। उसमें ना सर मुझे अल्लाह पाक ने एक ऐसा सेंसर लगाया हुआ है कि मुझे उनके ना वॉइस मैसेज से पता चल जाता है कि वाकई इसको ज़रूरत है या नहीं। बाज़ लोग जो होते हैं ना जी बने हुए हैं और ये इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि ये लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की अच्छाई का या उसका। जी सर, जी सर, मतलब जिन्होंने पेशा बना लिया। सर मैं माफ़ी के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह 70% लोग ऐसे हैं और उनमें 60% ख़वातीन हैं। उनको पता चल जाता है कि इनका दिल पसीज जाता है ख़वातीन की आवाज़। सर मुझे पता चल जाता है, थोड़ी सी हम तहकीक भी कर लेते हैं। तो इसमें आपकी नदामत का क्या ताल्लुक सर? उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैं उनको ना मिस कर जाता हूँ, वो मुझसे गलती हो जाती है उनको जज करने में, और अगर उसको वाकई कहीं उसकी ज़रूरत हुई और मैं उस वक़्त उसके काम नहीं आया तो बड़ी तकलीफ़ होती है, वो अफसोस रहता है। कई दफ़ा वो मेरे सामने आ भी जाता है कि उस वक्त मैंने आपसे मदद के लिए कहा था, आपने नहीं की थी, उसका मेरा ये नुकसान हो गया। कोई ऐसी बात जो आपको आज भी रुला देती हो इफ्तिखार ठाकुर के लिए आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो? मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जुम्मे वाले दिन चले जाना, मैं मियाँ चन्नू से इस्लामाबाद जा रहा था, ज़ुल्करनैन हैदर साहब का ड्रामा था मरी के अंदर, मेरी माँ ने मुझे कहा जुम्मे वाले दिन चले जाना। मैंने कहा अम्मी जान जुम्मे वाले दिन ड्रामा शुरू होना है और 8 घंटे का सफ़र होता था सर मियाँ चन्नू से लाहौर, 8 घंटे। जुम्मे वाले दिन कहाँ चले जाना? ड्रामे पे ठीक है, ड्रामा मरी में था सर, ज़ुल्करनैन हैदर साहब का। मैं बुध को वेनसडे वाले दिन ना जी वहाँ से चला, मैं पहुँचा रावलपिंडी, रावलपिंडी से जब मैं मरी पहुँचा ना जी तो वहाँ डॉक्टर यूनस भट्ट साहब और ज़ुल्करनैन हैदर साहब सीढ़ियों में खड़े थे आर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे साथ आओ, वो मुझे एक्सचेंज में लेके गए, टेलीफोन एक्सचेंज में। उन्होंने कहा कि आप घर फ़ोन करो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है। वो फ़ोन जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मेरी माँ मुझे रोक रही थी, मेरी माँ को डेफिनेट पता था कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। मैंने वो जो सफ़र किया ना सर, मरी से लेकर रावलपिंडी, रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से मियाँ चन्नू, वो इतना तकलीफ़ दे सफ़र था सर मेरी ज़िंदगी का, और वो इंतज़ार कर कर के मेरी वालदा को लेके कब्रिस्तान चले गए थे। मैंने अपनी माँ को हाथों से दफनाया तो ज़रूर, लेकिन इस बात की मुझे तकलीफ़ रही कि मैंने हमेशा अपनी माँ का हुक्म माना, मैंने अपने बाप का हुक्म माना। उस दिन मैंने क्यों नहीं माना? मेरी माँ ने कभी नहीं मुझे रोका सर, कभी किसी काम से नहीं रोका, ना कभी कहा कि बच्ची। लेकिन वो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मेरी माँ मुझे कहती रही कि जुम्मे को चले जाना। वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दे सफ़र है सर। और वो आज भी आपको तकलीफ़ देती है बात? 100% वो तकलीफ़ देती है सर वो बात। मैंने ज़िंदगी में देखा है सर कि जिस शख्स ने अपने माँ बाप की बात नहीं ना मानी, वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे
किसी चीज़ से टकराया ज़रूर है। आप अगर देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इफ्तिखार भाई, अब दुनिया जहान की नेमतें भी आप के पास आ जाएँ, मगर जैसे हम कहते हैं कुछ रेड लाइंस होती हैं, इस तरह से वालदैन की अतात के हवाले से भी बाज़ुकात अब सारी ज़िंदगी हम करते रहते हैं, मगर कोई एक चीज़ ऐसी होती है किसी वजह से अगर नहीं हो पाई, बाज़ुकात वही चीज़ सारी ज़िंदगी का आपकी बोझ बन जाती है उसका ना होना जो है। तो कहने का मकसद ये है कि वालदैन के मामले में 100% अतात जो है वो ज़रूरी है। अगर उफ भी होगी तो मारे, उफ भी होगी, देखे ना यही वजह है। वालदा क्या कह के बुलाती थी आपको प्यार से? निकू, निकू कहती थी। मैं सबसे छोटा था, कद भी मेरा छोटा था। किस मौके पे इफ्तिखार भाई वालदा सबसे ज्यादा याद आती है? जब मैं अपनी छोटी बेटी को अपने साथ लिटा के ऐसे दबाता नहीं, उस वक्त मुझे अम्मी बहुत याद आती। मैं इतना बड़ा हो गया था, जॉब पे चला गया था, दुनिया भर घूमाया था, वो मेरी माँ जब अक्सर रात को जाता था ना सर, तो जैसे मैं जाता ना जितने, तो मैं अपनी अम्मी के ऐसे पाँव को हाथ लगाता तो अम्मी मुझे बस कहती मेरे साथ लेट जा। वाह। मैं जब अम्मी के साथ लेटता ना तो मेरी माँ जो सीधा बाजू थी ना वो मेरे नीचे से ऐसे निकालती थी और ऐसे दोनों हाथों से जो मुझे ऐसे जफ्फी डाल के अपने साथ भींचती थी ना जी, पूरी ताकत के साथ, वो मुझे बहुत याद आता है सर। वो मेरी सबसे छोटी बेटी जो है ना जी, वो अक्सर वो आती है ना जी स्कूल से जब, तो मेरे साथ ऐसे जब दादी की हाँ उसको मैं भींचता हूँ तो अम्मी बहुत याद आती है। माँ क्या रिश्ता है सर मेरे, अल्लाह ने बनाया है इतना प्योर, इतना खालस। माँ के सीने से आप लग जाओ ना सर, आप सारी दुनिया के दुख भूल जाओ। बेशक। और किसी की माँ अगर ये कह दे कि मेरे बच्चे समझो ये हो गया, सर 100% हो जाता है, दुरुस्त होगा, 100% होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये बताइए कि कोई ऐसी बात जिंदगी में, बाज़ू का लोग चले जाते हैं, बाज़ू का झिझक होती है, हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पाते, कुछ भी कहना चाहें तो आप हैं और कैमरा है। मेरी जो बहन थी ना जी तीसरे नंबर पे, उसका इंतकाल हो गया है। मेरी उस बहन ने मेरे माँ बाप की बड़ी खिदमत की है सर। क्या नाम था बहन का आपकी? शाहीन अख्तर। शाहीन। मेरी उस बहन ने इतनी खिदमत की है मेरे माँ बाप की सर, 7 बहन भाई हैं हम, सब अपनी अपनी जगह पे शादियाँ होके चली गई। वो मेरी बहन जो थी ना वो मस्जिद में रहती थी, आलमा थी माशाल्लाह, मस्जिद में ही घर था उनका और मस्जिद में पढ़ाती थी। तो वो हमेशा मेरी वालदा को ख़ास तौर पे मस्जिद में ले जाती थी, बड़ी खिदमत करती थी सर। फिर वहाँ से पढ़ा के सामने करीब ही घर था हमारा, फिर वो आती फिर मेरे वालद साहब की खिदमत करती थी। मेरी उस बहन ने मेरे माँ बाप की इतनी खिदमत की है सर, हम 7 मिलके भी जो है ना जी उसको उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। क्या बात। आज मेरी वो बहन इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी उस बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे माँ बाप को संभाल के रखा। उसका अजर तो मेरे अल्लाह ने ही उसको देना है, और वो कब्र के अंदर जन्नत के बागों में से एक बाग में होगी। वाह वाह। मगर जिंदगी में मौका नहीं मिला कि आप? नहीं, मैं नहीं कह सका सर उनसे, मैं कभी भी नहीं कह सका सर उनसे, क्योंकि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि उससे फलां बंदा इतनी जल्दी बिछड़ सकता है। अभी थोड़े दिन पहले महमूद भट्ट साहब जी, हमारे पायनियर अलीम डार फाउंडेशन के सर, मुझे उन्होंने मैसेज किया है कि अलीम डार साहब जो हैं मेरे आने से अकेले हो गए हैं, आप फौरन जाना उनके पास। वो मैसेज मैंने सुना है, और मैं चूँकि स्पेन से आया था, बहुत थका हुआ था सर, मैं सो गया। मैं रात को मैंने कॉल भी नहीं देखी अलीम डार साहब की, मुझे कॉल आई थी मैंने वो नहीं मैं ले सका। मैंने सुबह उठ के फौरन जब कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा अलीम महमूद भट्ट साहब का इंतकाल हो गया है। सिर्फ मेरी जान नहीं निकली सर, और उससे मेरे दिल में एक डर भी बैठ गया है कि कहीं ये मत सोचते रहना कि कल तुम हो। हाँ ऐसे ही मुझे आपकी बात से याद आ गया कि आदमी तेरा एतबार कहाँ, आदमी तेरा एतबार कहाँ,
हाँ अभी था अभी अभी नहीं है। नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। सोच के बोल। जबरदस्त गूगली। वो बात जो है ना मेरे दिल पे नक्श हो। अच्छा इफ्तिखार भाई गूगली के लिए तैयार हैं आप? अच्छा ये हमने कादिर साहब की याद में इसका नाम रखा है सेगमेंट। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। क्या आदमी थे? क्या आदमी थे? जी ये आपके सारे दोस्त हैं साथी हैं पाकिस्तान में और दुनिया में, उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है। सरदार कमाल साहब, मस्ताना साहब, नासिर चिनियोटी साहब और करम उदास साहब। ये बताइए कि आप ड्रेसिंग रूम में गए हैं और एक कोट जो है वो टंगा हुआ है, उस कोट की जेब में ऐसा क्या है कि आपको फौरन पता लग जाएगा कि ये सरदार कमाल साहब का कोट है या मस्ताना साहब का है या नासिर चिनियोटी साहब का या अकरम का? ए सरदार कमाल साहब के कोट में डेफिनेट सर स्क्रिप्ट होगा। अच्छा वाह। किसी का भी हो सकता है। और जिस जेब के अंदर स्क्रिप्ट है ना जी, उसी के अंदर चाबी होगी। अच्छा ठीक है सर। चाबी कहाँ की होगी? गाड़ी की। अच्छा गाड़ी की। हाँ जी वो होगा भी यूं करके कोट। मस्ताना साहब? मस्ताना साहब इस दुनिया में नहीं रहे सर। मस्ताना साहब का ना जी एक क्यू मुझसे ओवरलैप हो गया और वो बहुत बड़ी क्लैप थी। अच्छा रिएक्ट तो ये नहीं करते थे। अगले दिन जब मैं गया तो बाहर ही बैठे थे और धूप इतनी शदीद थी, गर्मी थी बड़ी। मैं कह सर बड़ी गर्मी है, मैंने कहते ना हाँ मैनू तेरे ते। लेकिन क्या इनकी जेब में होगा, क्या आदत थी इनकी? इनकी जेब में थी यहाँ मेरा ख्याल है इनकी जेब में ना खांसी का सिरप तो जरूर होता। अच्छा हाँ अक्सर इनके गले में खराब रहता था, थोड़ा सा गले के खांसी का सिरप तो जरूर, मुझे उससे पता चल जाएगा कि ये मस्ताना साहब का कोट है। चिनियोटी साहब? नासिर चिनियोटी दी जेब में कम से कम अगर 8 जेबां ने ना तो 3 जेबां सिगरेट होंगे। उफ इतनी ज्यादा स्मोकिंग। अच्छा मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से गुजारिश है नासिर चिनियोटी साहब से कि बहुत ही जालिम चीज कटा दो है ना, प्लीज प्लीज कटा दो। जिंदगी है, बच्चे हैं। हाँ यस यू आर राइट। यस अकरम उदास साहब? अकरम उदास साहब की जेब च कख भी नहीं होना। इफ्तिखार भाई थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ आपके चाहने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने और समझने वाले हैं, उनको खुश करते रहें। कितने सेगमेंट हुए हैं सारे प्रोग्राम में? ख़त्म हो गया वो कैसर भाई वाला काट दीजिए। प्लीज आप मुझे एक बात बता दें, कैसर भाई वाला काटना है या जहानत वाला काटना है? दो भी कटते फिर तो साड़ा शो बने ही नहीं ना। नहीं कोई टू शो लगा के नहीं होता। टू से तो फिर पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे। हाँ वो ना लगाइएगा, वो ज्यादा वो खतरनाक। तो फिर बुरा लगेगा कि मैंने टू पिया का सूट पहना हुआ। थैंक यू सो मच इफ्तिखार ठाकुर साहब, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन ये था आज का जबरदस्त और दो अशआर पर प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, ये सोशल मीडिया चीजों ने कितना हमें मसरूफ कर दिया ना। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई। क्या कहने, जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ। वाह। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली। आहा, क्या बात। इजाज़ दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वाह।